जोधपुर शहर के जलाशय तख्त सागर पर भारतीय सेना के कमांडो की तरफ से किए जा रहे अभ्यास के दौरान बड़ा हादसा हो गया। सेना की कमांडो यूनिट 10 पैरा स्पेशल फोर्स के कुछ जवान गुरुवार को हेलीकॉप्टर से नीचे उतर अभ्यास कर रहे थे। इस दौरान चार जवान हेलीकॉप्टर से पानी में कूदे, तीन जवान तो बाहर निकल आए, लेकिन चौथा कमांडो कैप्टन अंकित गुप्ता पानी के भीतर ही रह गया। उसकी तलाश के लिए सेना ने तख्त सागर से सटे पूरे क्षेत्र को सील कर वृद्ध खोज अभियान शुरू किया है। देर शाम तक उनका पता नहीं चल पाया। सैन्य सूत्रों का कहना है कि 10 पैरा के कुछ कमांडो अपने नियमित अभ्यास के रूप में तख्त सागर जलाशय में अभ्यास कर रहे थे। इस दौरान उन्हें पानी में कूद हमला बोलने का अभ्यास कराया जा रहा था। इसके तहत आज एक हेलीकॉप्टर से एक साथ चार जवान पानी के भीतर कूदे। उनमें से तीन जवान थोड़ी देर में तैर कर बाहर निकल आए, लेकिन चौथा जवान कैप्टन अंकित गुप्ता बाहर नहीं आया। उसके बाहर नहीं आने से हड़कंप मच गया। भारतीय सेना में स्पेशल फोर्स के कमांडो सबसे मुश्किल से तैयार हो पाते हैं। 1000 चयनित में से 80 या 100 ही कमांडो बन पाते हैं। ऐसे में एक कमांडो के मिसिंग होने से सेना में चिंता बढ़ गई।